संजू बाबा के लिए एक बहुत स्पेशल फैन आया, वो आपको मिलना चाहता है। वो यहां से नहीं आएगा, वो बैक स्टेज से आएगा। तो कैन वी हैव संजू बाबा बिगेस्ट फैन प्लीज। दरवाजा खोल बा, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल ना, दरवाजा खोल, हे माँ, दरवाजा बंद कर, पुलिस मेरे को मार डालेगी, दरवाजा बंद कर ना, अरे तेरे को साले नहीं सुनाई देता, दरवाजा बंद कर ना, डेड पुटिया को मार डाला, पुलिस ने मार डाला, डेड पुटिया मर गया, माँ मर गया, डेड पुटिया मार डालेगी, अरे माँ बंद कर ना दरवाजा, मार डालेगी पुलिस मुझे। हाजी, आपका नाम? आयुष। आप बैठिए। सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। लोग इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, उनका घर वहां से चलता है, मेरा घर इनसे चलता है। बाबा के सबसे बड़े फैन हैं आप, कब से हैं? 18 साल हो गए सर। 18 साल हो गए। हाँ, मैं साजन फिल्म से, मैं दुबला सा था, लंबे बाल, तभी बोलते थे आप बाबा जैसे लगते, तो बोलते बोलते बाबा बन गए। बाबा आपके सामने, आप कुछ कहना चाहते हैं उनको? सर उनके सामने पहले तो पैर कांप रहे मिले, खुशी भी है एक अलग सर के। और मेरा आज मतलब सालों लग गए बोलन मिलने के लिए। मैं एक बार चल मेरे भाई के सेट पे मिलने गया था, उनका बर्थडे था और मम्मी का, नरगिस जी का फोटो लेके, बट सर का मूड सही नहीं था, थोड़ा बात कर रहे थे फोन से, तो मैं डर गया, निकल गया, और फिर आज मौका मिला मैं आया। बाबा, व्हाट डू वांट टू से टू योर बिगेस्ट फैन? मैं कुछ बोलने के, मैं क्या बोलूं अभी, इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि मेरी वजह से इनका घर चलता है, तो इससे बड़ी बात यार, इससे बड़ी तारीफ या इससे बड़ी दुआ मुझे नहीं। मैं आप ही के वजह से फ्लाइट में बैठूँ, आप ही के वजह से आउट ऑफ इंडिया गया हूँ, और आप ही के वजह से मैंने खुद का भी एक्ट एज ए गुजरात में 40 मूवी किया मैंने एज ए कैरेक्टर करके, उसमें आपको ही डाला है मैंने हर एक्ट में। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा कि इसमें कांचा चीना जैसा करूँ, इसमें ऐसा मैंने खुद का किया, तो आपको डाल के ही मैंने हमेशा किया है। थैंक यू आरुष, थैंक यू वेरी मच। मैंने एक गिफ्ट लाया, दे सकता हूँ सर को मेरे लिए थोड़ा? हाँ प्लीज। हाँ, वाओ, हाउ स्वीट है। आज इस यारों की बारात स्पेशल पार्ट टू एपिसोड में बैठे हैं हमारे तीन खास यार, संजू बाबा, अजय देवगन, अभिषेक बच्चन। जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। आपकी मुलाकात संजू बाबा से कब हुई और फिर दोस्ती कब हुई? आई रिमेम्बर अजंता आर्ट्स में दे यूज्ड टू हैव अ प्रीव्यू थिएटर एंड यू हैड टू गो थ्रू अ टनल। ये टनल तो बचपन में कुछ शायद 4-5 साल का था, मुझे अच्छी तरह याद है। हम लोग गए थे टू सी रॉकी, बाइक पे एंट्री की थी उन्होंने एंड द सॉन्ग, और इंटरवल पे ये वहां खड़े थे बाहर, उनको देखा तो संजय दत्त, आई नेवर फॉरगेट दैट, ही केम, ही मेस्ट माय हेयर लाइक दिस। और फिर हम लोग आते जाते थे इनके घर में, बट एज किड्स ही यूज्ड टू सिट एंड प्ले विद अस एंड ऑल, नाउ ही मैसेजेस इन माय, आई डोंट मैसेज यू। अब तीनों यार यहां पर है, इनसे काफी सारी बातें हुई, लेकिन मुझे लगता है एक छोटा सा गेम भी खेल लेना चाहिए जिसका नाम है कभी हाँ कभी ना। तो हम तीनों से एक सवाल पूछेंगे और आपको सिर्फ हाँ बोलना है या ना बोलना है। आप तीनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, आपको अवार्ड्स भी मिले हैं। हाँ, नॉट राइट नाउ, अवार्ड्स मिले। कभी आपने अवार्ड खरीदा है? मुझे इतने सारे मिलते भी नहीं है, तो इसीलिए पूछा हूं कभी खरीदा है।
कभी नहीं, कभी नहीं। आपने अपनी बीवियों से कभी झूठ बोला है? बड़ा झूठ बोला है, छोटा झूठ बोला? छोटे 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 झूठ। मतलब तो बड़ा झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे ना। बीवी से झगड़ा करने के बाद कभी ऐसा हुआ है कि आपको अकेले लिविंग रूम में सोना पड़े? दो ना, दो ना। हाँ, क्या हुआ था? ये लिविंग रूम में ही सोते हैं। यू नो, आप दोनों के दोनों पेरेंट्स एक्टर्स हैं, जय जी, अमित जी, नरगिस जी, दत्त साहब। तो आपको क्या लगता है, एज एन एक्टर आप किन पर गए या किन का इन्फ्लुएंस आप पे ज्यादा है? मेरी माँ का, एज एन एक्टर ओवर योर डैड? ऑफ कोर्स I क्यों? Want to be like my dad. हो नहीं पा रहा है। वो किसी से हो नहीं पा रहा है। माँ पे गया हूँ मैं। बाबा, बाबा आप? मेरे भी लोग कहते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे कि तुम अपनी माँ पे गए। As an actor, as an actor, as an actor. But he walks like his dad. He walks like yes. मुझे याद है जब छोटे थे और जब नए नए एक्टर बनने की कोशिश कर रहे थे, डैड कहते थे कि if you want to walk, walk like that sub. Walks like a panther. Yeah. Huh? Obviously actors आप तो है, लेकिन एक्टर रहने से पहले कॉलेज के जमाने में आपका कभी झगड़ा हुआ हो पब्लिकली? मेरा बहुत बार हुआ, बहुत बार मारा भी है और बहुत लोगों से मार भी खाई है। एक बार तो पूरा सब 20-25 लोगों ने मिलके मारा था, इफ यू रिमेम्बर। 25 लोगों ने मिलके मारा? हाँ, अजय की एक वाइट जीप थी जिसमें हम सब घूमते थे और हॉलीडे इन होटल के करीबी जो पतली गली थी वहाँ पे वो वाइट जीप के सामने भागते हुए पतंग के पीछे एक बच्चा आ गया, तो फुल स्पीड में अजय ने ब्रेक मारा। इसमें फॉल्ट अजय की बिल्कुल नहीं थी, बच्चा डर गया, बच्चे को लगा नहीं, बच्चा डर गया और बच्चा रोने लगा। तो आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोग जो थे वो सडनली झुंड में पता नहीं कहाँ से कुछ हजार लोग आ गए सीरियसली और हमको घेर लिया। अब हम लोग सब लोग की फट गई और हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चा आ गया, बच्चे को लगी नहीं है, बच्चा भी ठीक थे, लेकिन उतरो उतरो अमीर लोग, तुम लोग गाड़ी फास्ट चलाते हो, ये वो ये वो, और हम लोग को समझ में नहीं आया और पब्लिक में से टप 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 टपली पड़ने लगी। और 10 मिनट के अंदर बात अजय के डैड तक पहुंच गई, वीरू जी के पास, और वीरू जी वहां पर 150-200 फाइटर्स लेके आ गए। अरे बाप रे बाप, हिंदी फिल्म का जैसा सीन होता, कौन है जिसने मेरे बेटे को हाथ लगाया, कौन है? सब चुप, पूरा एरिया चुप। अच्छा, जब वो फाइटर्स आए तो हम लोग 4-5 जन थे, हम लोग कौन है कौन है, हम लोग भी खड़े हो गए। लेकिन उस वक्त तो तू भाग गया था ना, फिर वापस आ गया। जिंदगी में कभी कॉलेज के वक्त, स्कूल के वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया होगा, बसों का, ट्रेनों का, किया है बाबा? हाँ, कॉलेज के टाइम पे सेकंड क्लास का पास था मेरे को, लेकिन फर्स्ट क्लास में घुसे थे कभी? सच्ची लेडीज डिपार्टमेंट, लेडीज कंपार्टमेंट में घुस गए थे 100%। क्यों? ऐसे ही वो धक्का लगता ये सब शाहरुख़। अगर एक दिन के लिए आप अनुष्का बन जाएं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? मैं शाहरुख खान की बहुत तारीफ करूं। अगर तुमको शाहरुख की एक चीज चुरानी है तो कौन सी चीज हो? मन्नत। वैनिटी वैन छोड़ दो, वहीं रहूंगा ना, मन्नत के बाद सारी फैमिली को। लेट्स गो। अच्छी ठीक के बाद क्या आता है? अगर शी के बाद हैंकी नहीं। अच्छा ओके, एक छोरी होती है और दूसरा होता है छोरा। हाँ। छिछोरा। मुझे इन दोनों को पॉइंट कर देना चाहिए। शाहरुख खान या सलमान खान? ये बहुत ही डिफिकल्ट जवाब है, बट आई एम प्रिटी श्योर